अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं आसान सा मटर पुलाव, जो मज़ेदार होगा। आप ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर इसमें आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप। इसके अज्जा ये हैं, चावल हमने बासमती लिए हैं, ढाई प्याले लिए हमने, आधा किलो से थोड़े ज़्यादा, और मटर लिए हमने आधा किलो, और आलू दो बड़े साइज़ के हमने इसको काट के रख लिए थे, ठीक है। और अब इसमें डालेंगे हम प्याज एक अदद, दरमियाने साइज़ की, हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के, काली मिर्चें 15 से 20 अदद, और ये दालचीनी की 2-3 स्टिक डालेंगे, और ये बादियान के फूल हैं ये डालेंगे 2-3 स्टिक, 2-3 फूल इसके, ज़ीरा 1 चम्मच, साबित धनिया 1 चम्मच, और सौंफ 1 चम्मच। इन तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करके फिर इसके जो होगा ये इस तरह से हो जाएगा, हमने कूट के और ड्राई रोस्ट करके रख लिया है। तो इसको भर के हम 1 चम्मच डालेंगे, 1 टीस्पून नमक हसबे जायका, और तेल हसबे ज़रूरत। और इसके साथ हम एक चटनी देंगे। चटनी में एक अज्जा जो है ये हैं, हरा धनिया 1 गड्डी, हरी मिर्चें 15 से 20 अदद, और लहसुन की कलियाँ 4 अदद, और इसमें हम उन्हें डालेंगे, इसमें इमली, इसमें हम नींबू डालेंगे। और मिर्चों की ये है कि हम तेज़ मिर्ची खाते हैं तो इसलिए ज़्यादा डालते हैं, आपको कम डालनी है तो आप कम डाल लीजिएगा, और नमक इसमें हसबे ज़रूरत डालेगा। चलिए पकाना स्टार्ट करते हैं। तेल हमने इसमें डाल दिया है 1 कप के बराबर, ना जो कप ये गिलास है ना, इसके बराबर हमने एक इसमें तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्की सी करेंगे। तेज़ आँच ही रखेंगे अभी, तो जल्दी से प्याज हमारी फ्राई हो जाए। बांग्लादेश से एक हमारी बहन ने फरमाइश की है मछली चावल की, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी मछली चावल। और जो जिसने पसंद किया है मेरे रिशेस को, उसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह मेरा हौसला अफजाई करते रहें, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत मज़ेदार डिशेज बनाना सिखाऊँगी। बताना भूल गई थी, 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का भी डालेंगे पहले बना के। एक दो सेकंड उसको भून लेंगे। इसमें टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे, इसमें बादियान के फूल डाल देंगे, डाल देंगे,
देखिए भर के जो हमने किए जीरे सौंफ धनिया और जीरा भुना था वो डाल देंगे। चार से पाँच लौंग, नमक हल्दी जरूरत जितना आपका टेस्ट है उसके साथ डालें। फिर टमाटर सॉफ्ट होने जब तक चावल मैंने बासमती लिए जो भिगो दिए थे मैंने 15-20 मिनट पहले। मटर वगैरह डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मटर और आलू को गलने के लिए 10 मिनट तक रख देंगे। उनको देखते हैं क्या हाल है हमारी पुलाव की सब्जी का, सही हो गया ये। अब इसमें हम चावल डालेंगे, पानी मैंने थोड़ा गर्म कर लिया, गर्म करके डाल दिया। पानी थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि भीगे हुए चावल हमारे। नमक चेक कर लेंगे, नमक कैसा है कम होगा तो और डाल देंगे थोड़ा। जो हमने सौंफ और धनिया पीसा था अब आखिर में डालेंगे थोड़ा सा एक चम्मच और करके। देंगे उसको 15 मिनट बाद फिर हम देखते हैं, इसको दम पे रख देंगे इसको 15 मिनट बाद फिर खोलेंगे इसको। देखिए ये हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है इसकी, मतलब फिर इसको हम दम पे रखेंगे। दिखाने का दोबारा मकसद ये था कि आपको पता लगे कि दम पे किस टाइम रखेंगे, सही है। अब हम इसमें कपड़ा लगा के दम पे रख देते हैं। अब 15 मिनट बाद ये इंशाल्लाह पक जाएंगे, 15 मिनट पक जाएंगे और फिर इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने देंगे, फिर उसके बाद खोल के फिर डिश आउट करेंगे। चलिए देखते हैं पुलाव का क्या हाल है। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त बना है, चावल कैसे खिले खिले हैं, कितने लंबे लंबे चावल हो रहे हैं, दिख रहे हैं। चलो हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए डिश आउट कर दिया हमने, चार चटनी और सलाद के साथ। ज़रूर ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा इसको। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए कोई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।